हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की ट्रिक्स देखने वाले हैं। सो इसमें देखिए अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। सो अमोनोटेलिक के एग्जांपल्स हैं बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यूरियोटेलिक के एग्जांपल्स हैं मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेज। यूरिकोटेलिक के एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है, अमोनोटेलिक की ट्रिक है ब्लड फ्लोविंग अक्रॉस ऑल इंडिया। सो ब्लड फ्लोविंग हो जाएगा बोनी फिशेज के लिए, अक्रॉस हो जाएगा एक्वेटिक एम्फीबियंस के लिए, ऑल इंडिया हो जाएगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स के लिए। यूरियोटेलिक में है मरीन फिशेज, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है मनी फ्रॉम एटीएम, मनी फ्रॉम एटीएम। मनी फ्रॉम हो जाएगा मरीन फिशेज के लिए, ए हो जाएगा एम्फीबियंस के लिए, टी हो जाएगा टेरिस्ट्रियल के लिए, सो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, एंड एम हो जाएगा मैमल्स के लिए। यूरिकोटेलिक के एग्जांपल्स हैं लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है लैंड सेल आरबीआई, लैंड सेल हो जाएगा लैंड स्नेल्स के लिए, आर हो जाएगा रेप्टाइल्स के लिए, बी हो जाएगा बर्ड्स के लिए, आई हो जाएगा इंसेक्ट्स के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक याद कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, सो इसको याद करने की ट्रिक है अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होता है। सो इसमें देखिए ई आ रहा है, सो ई ई, सो अर्थवर्म में हो जाएगा नेफ्रीडिया। कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट्स में मालपीजियन टिब्यूल्स होता है, सो इसकी ट्रिक है माइक। एम हो जाएगा मालपीजियन टिब्यूल्स के लिए, आई हो जाएगा इंसेक्ट्स के लिए, सी हो जाएगा कॉकरोचेस के लिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टीब्रा। सो इसको याद करने की ट्रिक है T12L3, थर्ड लंबर एंड लास्ट थोरेसिक। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। आउटर में ओ आ रहा है, कॉर्टेक्स में ओ आ रहा है, ओ ओ, सो आउटर हो जाएगा कॉर्टेक्स एंड इनर हो जाएगा मेडुला। एंड किडनी के फंक्शंस को याद करने की ट्रिक है अ वेट बेड, अ वेट बेड। ए हो जाएगा एसिड बेस बैलेंस के लिए, डब्ल्यू हो जाएगा वाटर रिमूवल के लिए, ई हो जाएगा एरिथ्रोपोइसिस के लिए, टी हो जाएगा टॉक्सिन रिमूवल के लिए, बी हो जाएगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, ई हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, डी हो जाएगा विटामिन डी एक्टिवेशन के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग फंक्शंस ऑफ किडनी याद कर सकते हैं अ वेट बेड। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसीजर्स नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो इसको याद करने की ट्रिक है रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो। रेडी हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन के लिए, स्टडी हो जाएगा सिक्रीशन के लिए, गो हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। हेनल्स लूप, द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। द असेंडिंग लिंब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पासिवली। सो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको याद करने की बहुत ही ईजी ट्रिक है ईद। ई हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, आई हो जाएगा इम्परमिएबल के लिए, डी हो जाएगा डिसेंडिंग लिंब के लिए। सो डिसेंडिंग लिंब में इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसेंडिंग लिंब में इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो परमिएबल टू वाटर होगा। जब डिसेंडिंग लिंब में इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है एंड परमिएबल टू वाटर है, सो असेंडिंग लिंब में इम्परमिएबल टू वाटर हो जाएगा बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पासिवली। सो इस ट्रिक से अब आप लोग इसमें कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। मैच्यूरेशन, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्यूरेशन। इसमें यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, यूरिथ्रा रिलैक्सेशन। सो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है, सो इसकी ट्रिक है कौन भाई, कौन भाई, कौन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, भाई हो जाएगा ब्लैडर के लिए। सो जब यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन तो यूरिथ्रा हो जाएगा रिलैक्सेशन। सो गाइज,
चैप्टर 19 की सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।